अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे मटन अफगानी। ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या लिया है। 1.5 किलो हमने मटन लिया है। चाप और मटन दोनों मिक्स है। आप इस तरह से ही लीजिएगा दोनों मिक्स। ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। हमने इसको एक प्याज डालकर धो लिया है। इसी तरह से लीजिएगा मटन और चापे दोनों मिक्स। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने कोयला लिया है। ये तेल लेने वाला चम्मच हमारा, इससे हम 5 चम्मच फुल भर कर तेल लेंगे। ये हमारी घर की मलाई है, 1 कटोरी मलाई ली हमने। 1 कटोरी दही लीजिएगा आप, हमने आधी लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे कम खट्टा पसंद किया जाता है इसके लिए। तो 1 कटोरी मलाई और 1 कटोरी दही लीजिएगा आप। और ये हमारी घर की मलाई है, आप इसकी जगह पर अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हो। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ कूटा हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 प्याज, 1 नींबू, आधी गड्डी हरा धनिया, 8 हरी मिर्च, 8 बादाम और ये कच्चा नारियल का टुकड़ा लिया हमने थोड़ा सा। इसका हम पानी डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। नींबू हम बाद में ऐड करेंगे। आप बादाम और कच्चे नारियल की जगह पर काजू भी ले सकते हो। इसका हम थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। देखिए कुकर में हमने मटन को डाल दिया है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मटन का भी पानी छूटेगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक प्याज डालकर धोया था हमने, बड़ी प्याज। आप भी एक प्याज डालकर ही धो लीजिएगा, उसकी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है इस तरह से धोने से। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 सीटी ले लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। देखिए मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी ले ली हमने। स्टीम इसकी पूरी रिलीज हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। देखिए हम आपको तोड़कर दिखा देंगे। बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। अभी हम ये थोड़ा सा पानी है इसका ड्राई कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए इस तरह से बड़ा सा बॉल ले लेंगे। बॉल में हम मलाई डालेंगे, दही डालेंगे और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, खोपरा और बादाम, इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये डाल देंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, काली मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये नींबू का रस। हमने छोटा नींबू लिया था, आप बड़ा भी ले सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो। और ये मटन भी हमारा ठंडा हो चुका है। इस तरह से हमने इसको ठंडा किया है ड्राई करने के बाद। अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के अंदर। देखिए बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको ढककर फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए, तो अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया। ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हो। आप इसको ज़्यादा टाइम तक रखना चाहो तो ज़्यादा टाइम तक भी रख सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा। हमने इसको 20 मिनट ही रखा है। 20 मिनट में बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए गैस के ऊपर हमने पैन रख दिया। पैन में 3 और ये 4 चम्मच तेल हमने डाल दिया है। देखिए 4 चम्मच तेल हमने डाल दिया। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 चम्मच हम देसी घी ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप बटर भी ले सकते हो इसकी जगह पर। देखिए इस तरह से अभी एक एक पीस हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
देखिए डाल दी हमने जितने हमारे पैन में आए उतने। गैस हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, इसको ब्राउन स्पॉट आने तक हमको फ्राई कर लेना है। इस तरह से इसके ऊपर स्पॉट आने देना है। सभी को हम पलट लेंगे। देखिए सभी पीसेस हमने पलट दिया, आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसके ऊपर स्पॉट आ चुके हैं। इसी तरह से हमको इसको फ्राई करना है, इस साइड से भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हो। देखिए 4-5 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अभी हम निकाल देंगे और जो बाकी के हमारे रह गए वो हम फ्राई कर लेंगे। देखिए सभी हमने फ्राई करके निकाल दिए। अभी उसी पैन में हम जो मसाला बच गया हमारा वो ऐड करेंगे। देखिए बचा हुआ मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको 2-3 मिनट हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन चला जाए मसालों का। देखिए इस तरह से ढककर हमने 4-5 मिनट अच्छे से भून लिया है। ये तेज तेज उछलने लग जाता है तो इस तरह से ढककर भूनिए आप भी। आप देख सकते हो ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है। इसी तरह से इसको भूनना है मसालों का कच्चापन जाने तक। बहुत अच्छे से मसाले हमारे भून चुके हैं। अभी मटन हमने जो फ्राई किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करके हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। जिस बॉल में हमने इसको मैरिनेट किया था वो बॉल खंगाल कर पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए पानी डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ग्रेवी का हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए नमक डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको स्लो फ्लेम पर 4-5 मिनट इस तरह से ढककर पकने देंगे। देखिए स्लो फ्लेम पर 4-5 मिनट से हमने इसको इस तरह से ढककर पकने दिया है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये पककर तैयार हो चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। देखिए पैन में हमने कटोरी रख दी है, कोयला डाल देंगे, इस तरह से दहकता हुआ कोयला डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके देखिए इस तरह से अच्छे से धुएं को हम अंदर एब्जॉर्ब होने देंगे। बहुत अच्छे से धुआं है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। अभी हम कटोरी को निकाल देंगे। कटोरी निकाल दी हमने, अभी हम आपको सर्व कर दिखाएंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है मटन अफगानी। इस बकरीद पे आप ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। सभी के घर में मटन होता है तो इस तरह से अपने फैमिली के, अपने बच्चों के, सभी के सामने बनाकर सर्व कीजिए। अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके सामने बनाकर सर्व कीजिए, आपकी इतनी तारीफ होगी हम आपको क्या बताएं। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए इस बकरीद पर। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में फ्रेंड्स, और जब भी आप इसको ट्राई करोगे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमें इसी तरह से सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।